देखिए, जब मैं छोटा था तो पापा कहते थे कि बेटा घर से बाहर मत जाना, वरना मैजिक दिखाने वाले अंकल तुझे अपने मैजिक से गायब कर देंगे। उस समय तो मैं गायब नहीं हुआ और ना ही उनके मैजिक का मेरे ऊपर असर हुआ। लेकिन आज मैं जिस मैजिक की बात करने वाला हूँ, वो मैजिक तब हुआ था जब भारत के हर क्रिकेट प्रेमी ने ये मान लिया था कि आज भारत को हारने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये बात है 2017 की, जब इंग्लैंड ने 3 T20, 3 ODI और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। लेकिन उसी दौरे के सेकंड T20 में जो हुआ उसने अपने आप में ही एक इतिहास बना दिया था। तो हर बार की तरह इस बार भी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर में विराट कोहली ने टॉस गवाया, जिसके चलते भारत को पहले बैटिंग के लिए आना पड़ा। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरी कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी, और कोहली ने दूसरे ओवर की तीसरी ही बॉल पर छक्का जड़ अपनी इनिंग की पॉजिटिव शुरुआत की। उस दिन कोहली अच्छे टच में नजर आ रहे थे और बड़ी आसानी से कदमों का इस्तेमाल कर बॉल को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। उन्हें एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, इसलिए वो अपनी इनिंग को और तेजी से रफ्तार देना चाहते थे। पर जैसे ही वो 5वें ओवर में क्रिस जॉर्डन को एक बड़ा शॉट मारने गए, वैसे ही डोसन द्वारा लपक लिए गए। उसके बाद राहुल ने सुरेश रैना के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पर तभी रैना भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में क्रिस जॉर्डन को कैच दे बैठे। और फिर उसके बाद आए युवराज सिंह भी सिर्फ 4 रन बनाकर LBW हो गए। भारत 11वें ओवर में ही 69 रन पर अपने 3 बल्लेबाजों को गवाकर मुश्किल में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भारतीय टीम को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो एक छोर पर सेट खड़े राहुल का साथ दे सके। तभी पिच पर आए मनीष पांडे, जिनके साथ मिलकर राहुल ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और सिंगल लेकर अपना 50 भी पूरा कर लिया। पर इसके बाद भी लगातार राहुल ने अटैक करना जारी रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंग्लैंड को टक्कर देनी है तो एक फाइटिंग टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा। पर उनके लगातार काउंटर अटैक करने के बाद भी भारत 17 ओवर में सिर्फ 125 रन ही बना पाया था, जिसमें राहुल सिर्फ अकेले फाइट कर रहे थे और 47 बॉल पर 71 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हुए थे, और जिन पर भारत को काफी उम्मीदें भी थी। पर भारत की इन उम्मीदों को एक धक्का सा तब लगा जब राहुल जॉर्डन को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बेन स्टोक्स को कैच दे बैठे। उसके बाद 20 बॉल में 19 रन बनाकर खेल रहे मनीष पांडे ने अपने ऊपर प्रेशर बनता देख कुछ बाउंड्री द्वारा तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन जॉर्डन की स्लोअर डिलीवरी को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। मनीष पांडे के आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 18.5 ओवर 129 रन और 5 विकेट डाउन, यानी कि यहां से सिर्फ 7 बॉल बाकी थी और क्रीज पर भारत के टॉप फिनिशर MS धोनी और हार्दिक पांड्या थे, जिनसे भारतीय फैंस तेजी से रन बनाकर इनिंग को फिनिश करते हुए देखना चाहते थे। पर कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ हार्दिक पांड्या के साथ जब उन्होंने एक तेज स्ट्रेट ड्राइव खेला पर बॉल स्टंप को हिट करके क्रिस जॉर्डन के हाथों में आ गई और उन्होंने हार्दिक पांड्या को रन आउट कर दिया। उसके बाद इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल पर धोनी ने 2 रन चुराने की कोशिश की, पर धोनी तो पहुंच गए लेकिन मिश्रा क्रीज से काफी दूर रह गए। और फिर अंतिम बॉल पर वो हुआ जिस पर आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जॉर्डन की लास्ट बॉल को धोनी सिक्स मारना चाहते थे लेकिन बोल्ड हो गए। इसलिए मैं कह रहा था कि आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट बॉल पर धोनी अधिकतर सिक्स मारने के लिए ही जाने जाते हैं, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। पारी समाप्त हुई और भारत ने इंग्लैंड को 145 रन का एक मामूली सा लक्ष्य दिया। ये टारगेट इंग्लैंड के सामने इतना छोटा था कि इंग्लैंड 5 ओवर पहले ही टारगेट को चेस करने का दम रखती थी, और अगर भारत को इस मैच में अपनी पकड़ बनानी थी तो शुरुआत में ही कम से कम 2 या 3 विकेट लेने बहुत जरूरी थे। खैर, दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई और भारतीय पारी का पहला ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने सटीक और टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 ही रन दिए। उसके बाद दूसरे ओवर में भी आशीष नेहरा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही दिए। भारत ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर इंग्लैंड को कुछ देर तक खामोश जरूर रखा, पर जैसे ही तीसरा ओवर लेकर आए चहल पर पहले विलिंग्स ने छक्का जड़ और फिर जेसन रॉय ने छक्का जड़, ये बता दिया कि ये स्कोर हमारे लिए कितना छोटा हो सकता है। भारत अपने पहले ब्रेक थ्रू की तलाश कर ही रहा था कि तभी पारी का 4वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा ने सैम बिलिंग्स को बुमराह के हाथों कैच करा दिया।
और फिर दूसरी बॉल पर भी जेसन रॉय को रैना के हाथों कैच करा, भारत को बैक टू बैक दो ब्रेक थ्रू दिलवाए। उसके बाद कप्तान मॉर्गन और जॉय रूट ने मिलकर इंग्लैंड की लड़खड़ाती पारी को रिवाइव करना शुरू किया और दोनों छोरों से कुछ बाउंड्री भी आई, पर 23 बॉल पर 17 रन बनाकर खेल रहे मॉर्गन ने प्रेशर बढ़ता देख रिक्वायर्ड रन रेट को कुछ कम करना चाहा, पर डीप मिड विकेट पर हार्दिक पांड्या को ढूंढ बैठे। और फिर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर बेन स्टोक्स को बोल्ड मार मिश्रा की खुशी का ठिकाना न रहा, पर यह खुशी उस समय खामोशी में बदल गई जब एम्पायर ने ओवर स्टेप की वजह से नो बॉल का सिग्नल दिया। उसके बाद तो स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और लगातार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हुए बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करते रहे और बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को जीत के दरवाजे पर लाकर लगभग खड़ा कर दिया था, क्योंकि एक समय इंग्लैंड को सिर्फ 20 बॉल पर 28 रन चाहिए थे और जिस तरह बेन स्टोक्स खेल रहे थे उससे तो लग रहा था कि वो इंग्लैंड को दो ओवर रहते ही जिता देंगे। पर तभी आए आशीष नेहरा ने 17वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर स्टोक्स को LBW कर भारत को एक जीत की राह दिखाई, पर इतने में कुछ होने वाला नहीं था। भारत को गेम में बने रहने के लिए जोस बटलर को आउट करना बहुत जरूरी था, लेकिन बटलर ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था, क्योंकि 19वां ओवर लेकर आए नेहरा को उन्होंने पहले तो मिड विकेट पर चौका मार और फिर अंतिम बॉल पर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार रिक्वायर्ड रन रेट को 6 बॉल में 8 रन पर ला दिया। अब इंग्लैंड की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी, क्योंकि 6 बॉल पर सिर्फ 8 रन ही तो चाहिए थे जो बटलर के बाएं हाथ का खेल था, और अगर भारत को यह मैच जीतना था तो एक ऐसा चमत्कार करना था जिसकी भारतीय फैंस ने कभी कल्पना भी ना की हो। अब पारी का लास्ट ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और सामने थे जॉय रूट, और बुमराह ने पहली ही बॉल पर रूट को LBW कर भारत की जीत की लालसा को बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने अगली दो बॉल पर सिर्फ 1 ही रन दिया, पर अब सबसे बड़ा खतरा ये था कि स्ट्राइक पर जोस बटलर खड़े थे, इसलिए यह मुकाबला बहुत रोमांच मोड़ पर पहुंच गया था। पर तभी बुमराह ने चमत्कार दिखाते हुए जोस बटलर को एक लेंथ बॉल से बोल्ड कर भारत की जीत की लालसा को उम्मीदों में बदल दिया। इसके बाद 5वीं बॉल पर लेग बाई के थ्रू 1 रन बना और अब अंतिम बॉल पर इंग्लैंड को 6 रन चाहिए थे, और अगर बुमराह बॉल को डॉट भी निकाल दे और या 4 रन भी दे दे तो भारत मैच जीत जाता। ये एक ऐसा मोमेंट था कि स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक और अपने अपने घरों में टीवी से चिपक कर बैठे हमारे लाखों क्रिकेट प्रेमी की हार्ट बीट तेजी से धड़क रही थी, पर उससे भी ज्यादा तेज बुमराह की हार्ट बीट थी, क्योंकि इस एक बॉल से वो दर्शकों की नजरों में हीरो बन सकते थे तो इसी एक बॉल से विलन भी बन सकते थे, लेकिन बुमराह विलन बनना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो अंतिम बॉल मोइन अली को डॉट निकाल कर लाखों दिलों के हीरो बन गए। और इस तरह बुमराह ने चमत्कार करते हुए इस थ्रिलिंग मैच को भारत को 6 रन से जिता दिया। राहुल की 71 रन की शानदार पारी की खूब तारीफें हुई, पर जिस खिलाड़ी ने दिल जीता वो बुमराह थे। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर 2 अहम विकेट लिए थे, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो ये थी एक ऐसे थ्रिलिंग मैच की कहानी जिसे उस समय जिन लोगों ने भी देखा होगा वो मंजर आज भी उनके दिलों में जिंदा होगा। तो जसप्रीत बुमराह और इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने यह मैच लाइव देखा था या आपके पास इस मैच से जुड़ी कोई भी मेमोरी हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक लाता रहूंगा। तो इसी उम्मीदों के साथ कि आप हमारा हौसला जरूर बढ़ाएंगे, जल्द मिलेंगे आपसे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।